हाय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, तो आज जो है हम मॉडल वर्ब को मे माइट, मे को माइट में, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में कैसे हम पास्ट में दिखाते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें से आपको जैसे कुड है देख सकते हैं आप, इसको आप डायरेक्ट में सेंटेंस लिख करके पास्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे तब तो निश्चित है कि आपको पास्ट में ही ले जाना होगा। जैसे कि देखिए, मान के चलिए हम यहां पे लिखते हैं, ही सेड टू मी। ठीक है, आई मे गो। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये क्या है? ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का रूल्स होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, केवल आप प्रोनाउन को चेंज कर दीजिए लेकिन इसके टेंस को आप मत बदलिए। नेक्स्ट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी पास्ट टेंस में करना होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक पर्सनल अपना रूल है। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैं क्या है, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके जो आगे वाला, ये वाला जो सेंटेंस है, ये किस टेंस में है और किस सेंटेंस में है। पहला तो किस टेंस में है और दूसरा किस टेंस में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है। तो अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू लगा हुआ रहते हैं इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कब करते हैं टोल्ड में कन्वर्ट? जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि टू के बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, इसी कारण से सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहां पर मैं सीधा ऐसे रहता ही सेड, इसके बाद टू मी नहीं होता, तो ही सेड को हम ही सेड ही उतार देते हैं ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। देखिए तो ही सेड हो जाएगा टोल्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं अभी, ये डायरेक्ट है, यह है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है ये। आई को कन्वर्ट कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो ही यहाँ सब्जेक्ट में है, ये आई भी यहाँ सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे सीधा आई की जगह पे ही ट्रांसफर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, और मैं जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने अभी रीज़न बताया, क्योंकि ये पास्ट में है, अभी मैं जो है प्रेजेंट में लग रहा है, तो इसको पास्ट में करेंगे तो माइट हो जाएगा, तो ही माइट गो। देखिए बस इतना सा सिंपल सा चीज़ है समझना है, और इसी जगह पे ये मॉडल वर्ब जो है यहाँ पे मे माइट का रूप ले लेता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यहीं पर मैं हम मे को हटा करके कैन लगा दें तो क्या हो जाता? यहाँ पे कुड हो जाता। अगर यहाँ पर मैं, हो गया ना कुड, ही सेड टू मी आई कैन गो, तो ही कुड गो। अगर यहाँ पर मैं हटा करके हम शैल लगा देते, आपको पता है कि साथ शैल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आई शैल गो, मैं जाऊँगा, तो क्या होगा? ही कुड गो, यहाँ पे ही शुड गो हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये शुड वो वाला मॉडल वाला शुड नहीं है, जो शुड हम यूज़ करते हैं, यू शुड गो देयर, ही शुड गो देयर, ये शैल का शुड है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे विल होता, आई विल गो, अब यहाँ पे पहले था आई शैल गो, मैं जाऊँगा, अब हो गया मैं जरूर जाऊँगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे मिटा के हो जाएगा आई वुड गो, तो ही वुड गो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर होता, लगभग हमको लगता है कि हो गया, अब विल का भी मैंने वुड बना दिया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप इसको आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल इतना ही रखते हैं मॉडल वर्ब्स में, चलिए कुछ और चैप्टर्स जो है नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और यू हैव टू जस्ट मेक ऐसे सेंटेंस, आपको 10 सेंटेंसेस यू हैव टू आइदर मेक इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट इन योर नोटबुक फॉर योर प्रैक्टिस, और यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे ऑल्सो गेट हेल्प विद दिस वीडियोज हु आर इन द नीड ऑफ द आर। ओके, तो आप उनको भी भेज सकते हैं
तो चलिए बाय देन टेक केयर योरसेल्फ।